कोरोना पर काबू पाने का मिशन। इटली ने 13 ममालिक से आने वालों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अतालवी वजीर सेहत कहते हैं कि फैसला इन ममालिक में कोरोना के तेजी के साथ फैलाव के पेश नजर किया गया है। इटली की वजारत सेहत ने 13 ममालिक से आने वाले तमाम अफराद को मुल्क में दाखिल होने से मना कर दिया। पाबंदी का इतलाक हर उस फर्द पर होगा जिसने पिछले 14 दिन में इन ममालिक में रिहायश अख्तियार की हो। इस हवाले से अतालवी वजीर सेहत रॉब ट्रिस्पाइंस ने कहा कि पाबंदी के शिकार ममालिक में आर्मेनिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, बोस्निया, चिली, कुवैत, मालदुआ, ओमान, पनामा, पेरू और डोमिनिकन जमहूरिया शामिल है। इन ममालिक से सफर करने वाले अफराद के लिए इटली में दाखिला बंद कर दिया गया है। अतालवी वजीर सेहत का कहना है कि पाबंदी का इतलाक गुज़िश्ता 14 रोज में इन ममालिक में रिहायश पज़ीर अफराद पर लागू होगा। गुज़िश्ता 14 रोज में इन ममालिक का सफर करने वालों पर भी पाबंदी का इतलाक होगा। दीगर ममालिक से आने वालों को 14 रोज आइसोलेशन में रहना होगा। उनका मजीद कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा अभी भी शिद्दत से हमला आवर है। गुज़िश्ता चंद माह में कौम की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों को ज़ाया नहीं कर सकते।